और ये भीड़ देखो भाई लोग। तो भाई लोग फाइनली बारिश रुक चुका है, तो हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ देख सकते हो यार, इधर आने के बाद अलग ही शोरूम दिखने को मिलता है। आपसे भी जैसा कि देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, एक सेकंड, ये यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ एक काफी अच्छा एरिया, मतलब कि गेमिंग के लिए ये काफी अच्छा सेटअप है। दे भाई लोग, आजकल झाड़ू लगाने वाले अंकल जी नहीं आ रहे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, आज है संडे और अभी तो वैसे संडे का नाश्ता मिल रहा है, वो करने जाना है, लेकिन बस 15 मिनट बचा है तो देखते हैं, चलते हैं तो मिलता है कि नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ लग जाता है ना कि संडे को नाश्ता करना एक तरह से युद्ध जीतने के बराबर है। तो चला जाएगा, देखा जाएगा नाश्ता वास्ता मिलता है कि नहीं, उसके बाद चलना होगा थोड़ा उधर सामान वामान लेने, तो उधर भी चला जाएगा, अभी पहले नाश्ता कर ले। तो भाई लोग, अब हम लोग चल रहे हैं नाश्ता करने। बाकी देख सकते हो मौसम थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, कहीं आज बारिश मत हो जाए, बस इसी बात का डर है। हमको जाना भी है बाहर। और ये भीड़ देखो भाई लोग, ये भीड़ संडे को देख के ना एकदम से गुस्सा लगाता है भाई। और ये खाना आज इतना ही मिल पाया भाई लोग, क्योंकि भीड़ ही देख रहे हो इतना, पूरी के लिए तो ऐसे लड़ाई हो रहा है जैसे क्या ही बताएं। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बारिश होने लगा, जिसका डर था वही हुआ। मतलब मेरे से गंदा किस्मत ना किसी का नहीं होगा। आज ही हम सोचे थे बाहर जाने का, आज ही बारिश होना था। कल भी हुआ रहा था तब भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज ही होना था। अब ये बारिश रुके तब कहीं जाने को मिलेगा। वैसे रुक ही जाना चाहिए, इतना देर तो नहीं होना चाहिए। लोग आप देख सकते हो बारिश रुक चुका है, अब यानी अब हम लोग जा सकते हैं। वैसे एक सेकंड टेस्ट कर लीजिए बढ़िया से, बारिश रुका है कि नहीं। नहीं यार, अभी तक नहीं रुका है। मतलब किस्मत इतना गंदा किसी का भी ना हो, आज ही हमको जाना था और आज ही बारिश होना था। आज से 2 दिन पहले भी हो जाता तो भी कोई बात नहीं था। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अब बारिश तो रुक गया है, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। तो हम सोच रहे हैं कि अब निकला जाए, क्योंकि साबुन सर्फ लेना तो जरूरी है ना आज, उसी लिए जा रहे हैं, तो निकला जाए अब। तो भाई लोग, अब बारिश रुक चुका है तो अब हम लोग सोच रहे हैं चला जाए वो मटियारी जाना है गैस, क्योंकि मटियारी नहीं, उधर जाना है बीवीडी तरफ, क्योंकि असल में मेरा साबुन सर्फ जो है ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए वो भी लेने जाना है। और ऊपर से आज संडे है तो संडे का स्पेशल ब्लॉग भी बन जाएगा, कई दिन हो गया था स्पेशल ब्लॉग बनाए, तो आज वो भी बन जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, यही हम सोचे थे। बट बारिश हो गया था तो अब बारिश कंट्रोल में है, तो अब निकला जाए। बारिश का क्या है, बारिश तो हो जाएगा अब। वैसे अब टेम्परेचर डाउन भी जाएगा बारिश होने की वजह से, अब और ठंड पड़ेगा तो अब डर भी लग रहेगा। खैर देखा जाए क्या होता है। तो भाई लोग फाइनली बारिश रुक चुका है, तो हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ देख सकते हो पूरा पानी भर गया है। मतलब बारिश हुआ है ठीक ठाक, वैसे रूम में से पता नहीं चल रहा था। खैर अब ठंडी भी बढ़ जाएगा बारिश की वजह से, और ठंडी बढ़ ही चुका है। अभी हम लोग चल रहे हैं मटिहारी, फिर मटिहारी से वहाँ बीवीडी, फिर बीवीडी जा रहे हैं मतलब कि अजय के रूम पे, फिर वहाँ से चला जाएगा कहीं सामान वामान लेने, क्योंकि वैसे ज़्यादा सामान तो नहीं, हाँ जूता लेना है ये सब लेना है, तो चला जाएगा वहीं से कहीं लिया जाएगा। अब उसी को पता होगा दुकान वुकान के बारे में, हमको कहाँ पता। मेरा तो कॉलेज ऐसी जगह है कि वहाँ पे बस जंगल ही जंगल है, उन सब के बारे में पता है, दुकान वकान है ये नहीं है। और यहाँ देख सकते हो यार, इधर आने के बाद अलग ही शोरूम दिखने को मिलता है भाई। कहीं BMW का शोरूम, आगे मर्सिडीज़ का शोरूम है, लेकिन मर्सिडीज़ का शोरूम दूर है। जब पहली बार आए थे कॉलेज देखने तब हम देखे थे मर्सिडीज़ का शोरूम। यहाँ देख सकते हो फॉर्चूनर का शोरूम, अलग अलग शोरूम ही शोरूम है इधर। और ये क्राउन अपना, और अब हम लोग चलेंगे। और ये देख सकते हो फिर बारिश शुरू हो गया भाई, मतलब कि लग रहा है आज किस्मत में ही नहीं है कि हम जाएं और सामान लेके अपना वापस हॉस्टल भी चले जाएँ। खैर बारिश रुकी और हम लोग चल दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो जूडियो, इसे यहीं कहीं सामान लेना है भाई, छोटा मोटा ही सामान लेना है, ज़्यादा सामान तो लेना नहीं है, तो यहीं से ले लिया जाएगा, क्या ज़्यादा लेना है। और यहाँ पे हम लोग सामान वामान ले चुके हैं, अब हम लोग चल रहे हैं वापस वापस हॉस्टल की ओर, क्योंकि और ये ऑटो देखो भाई लोग, इस ऑटो का स्पेशल फीचर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी तुम लोग चलो। अभी गाइस ठंडी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि बारिश हो गया है तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये देखो, तो ये तो सुसाइडल पॉइंट देखो ही देखो, ये ऑटो देखो भाई, इसका आगे का शीशा ही नहीं, मतलब कि कितने तेजस्वी लोग हैं भाई यहाँ पे। तो गाइस, आपसे भी जैसा कि देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, एक सेकंड, ये यहाँ पे खड़े हैं, इसके इसके नीचे भी जगह है भाई, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े भाई। सोचे कि यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसलिए हम लोग यहाँ चढ़ गए, क्योंकि अभी अभी आए थे ना, ठंडा उतना बहुत ज्यादा लग रहा था, इसलिए यहाँ चढ़ गए।
सिक्योर रहे भाई लोग। और ऐसे ही तूफानी आइडियाज मेरे अंदर आते रहते हैं, तो हम लोग इन सब एक्सपेरिमेंट को करते रहते हैं। और काफी अच्छा जगह है वैसे यहाँ पे, और भी आप सभी को कुछ दिखाऊं। एक सेकंड गाइस, सॉरी गाइस, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पे गाइस, यहाँ एक काफी अच्छा एरिया है, मतलब कि गेमिंग के लिए ये काफी अच्छा सेटअप है। यहाँ पे आप बैठ के आराम से गेम खेल सकते हो, ये जगह एक एवन है गेमिंग के लिए, आप सभी सारे गेमर्स यहाँ पे आके गेम्स खेल सकते हैं। ऐसे यहाँ पे पूरे 4 फ्लोर है गाइस, 1, 2, 3 एंड द लास्ट 1, 4, 4 ऐसे जगह है जहाँ आप गेम खेल सकते हैं। ये ओनली फॉर गेमर, ये तो ज्यादा ही बड़ा है, यहाँ पे आराम से यहाँ पर आप पीसी भी ले आ सकते हैं। ये देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है, बहुत जगह है गाइस, बहुत जगह। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज उमर भाई को जिम्मेदारी मिला है सभी लोगों का बर्तन धुलने को। देखो कितना सारा बर्तन मिल गया बेचारे को। उमर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हफ्ते में एक दिन हमारी आती है, 6 दिन। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ वो बात सही है, 6 दिन हमारी है, आज आपकी है, इसलिए हमने सोचा रिकॉर्ड कर लिया। देख सके कितना ज्यादा बर्तन है भाई, बेचारे नन्नी सी जान कैसे धुल पाएगी इतना। उमर भाई कैसे धुल पाओगे? ठीक है भाई, हम टिप्स एंड ट्रिक्स देते भाई। चलो भाई हम लोग आ चुके हैं वहां से मटियारी वगैरह से, जूता वूता अपना लेके। देखो गाइस बात ऐसी है कि हम अब तीसरी बार अपना जूता लिए, पूरी बात आप सभी को समझाते हैं। असल में हुआ ये कि हम पहले जूता ऑर्डर किए, ठीक है, आया दूसरे कलर का, दूसरी बार उसको रिप्लेसमेंट करा ले, आया दूसरे साइज का, तीसरी बार डालने का ऑप्शन ही नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग रिफंड कर दिए। और ये हम लोग जूता आज लिए ऑफलाइन। ये देखो गाइस कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में बताना। बाकी स्विगी से कभी भी जूता ऑर्डर ना करें, और अच्छे सही जगह से ऑर्डर करें, या तो ऑफलाइन ले लो, ऑफलाइन ही बेस्ट रहता है, साइज वाइज का दिक्कत नहीं रहता है। बाकी आज आ रहे थे तो काफी बड़ा स्कैम हो गया हम लोग के साथ। असल में आ रहे थे तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था, तो हमको लग रहा है कि ठंडा बढ़ गया, लेकिन आधे रास्ते बाद पता चला कि उस ऑटो वाले के सामने वाला शीशा ही नहीं था, इसलिए डायरेक्ट जो हवा आ रहा था मुंह पे लग रहा, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। पीछे हम इसलिए नहीं बैठे क्योंकि पीछे लड़की बैठी थी। पीछे बैठ गए रहते तो इतना ठंडा नहीं लगता। बाकी ठीक है गाइस, क्या ही कर सकते हैं उनका। वैसे हमें आधे रास्ते देख रहे तो पता चला हाँ शीशा नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग सा था। ये देख सकते भाई लोग, आजकल झाड़ू लगाने वाले अंकल जी नहीं आ रहे, इसलिए ये देख सकते हैं क्या हो गया हम लोग के साथ। वैसे ही ये बस 2-3 दिन पहले से नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 दिन से नहीं आ रहे, तो 2 दिन में कुछ ज़्यादा ही कचरा बिटरा गया है, खैर क्या ही कर सकते हैं। तो भाई लोग यहाँ देख सकते हो रात का खाना, और ये भीड़ देखो भाई, रोटी के लिए भी इतना भीड़ लगने लगा, मतलब क्या ही होगा। तो भाई लोग हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं, बाकी आज मैं इसमें काफी ज्यादा भीड़ था, क्योंकि आज मुझे समझ में नहीं आया आज रोटी था फिर भी इतना ज्यादा भीड़ क्यों था। तो भीड़ में लगे थे उमर भाई, उमर भाई से पूछा जाए आज इतना ज्यादा भीड़ क्यों, उमर भाई आज इतना भीड़ क्यों था यार मैच में, तुम खड़े थे वहां पे किस वजह से आज इतना भीड़ था, जबकि आज रोटी था तब भी। आज पनीर रोटी, पनीर पे भीड़ नहीं रोटी पे भीड़ था, क्योंकि कुछ हैं हमारे यहाँ खास लोग जो पूरा पूरा हॉटपॉट भर के रोटी पैक करके ऊपर ले गए, पता नहीं किसके साथ खाने के लिए। पनीर यहाँ का खाना अगर कोई पैक करके ले जाता है उसको भाई ये कई स्तूपों की सलामी है भाई, आप काफी खतरनाक आदमी है, काफी खतरनाक आदमी है जो यहाँ का खाना आप खा भी रहे हैं पैक भी करवा रहे हैं, तो आप सच में कमा रहे सर। बाकी ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार अगर बारिश नहीं हुई तो, अगली बार बारिश, अच्छा आज बारिश हुआ था, बाय बाय गाइस, देखते हुए लीजिए गाइस, ये ऐसे मारता है हम लोगों को, देख लीजिए गाइस, ये यही करता है।